दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ओप्पो रेनो 2 एंड 2 प्रो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन था ओप्पो की तरफ से। गाइस, यहां पर ओप्पो लॉन्च करने वाला है ओप्पो रेनो 3 प्रो, जो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, 5G होने वाला है। तो गाइस, यहां पर हम बात करेंगे इंडियन वर्जन के बारे में, ना कि चाइनीज वर्जन के बारे में। गाइस कहेंगे, क्योंकि चाइनीज वर्जन और इंडियन वर्जन दोनों बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि यहां बता दूं पहले ही, तो यहां पर आपको जो सिंगल पंचोल कैमरा मिलता है चाइनीज वर्जन में, यहां पर आपको ड्यूल पंच होल कैमरा मिलने वाला है इंडियन वर्जन में। और गाइज, यहां पर आपको 2 मार्च को ओप्पो रेनो 3 प्रो लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है। और गाइज, यहां पर आपको कुछ फैक्ट बताऊं, तो यहां पर दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। और गाइज, यहां पर दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं, यहां पर दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P95 प्रोसेसर देखने को मिला, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और गाइज, देखो वीडियो पसंद आया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के बहुत ही कमाल का एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। और गाइज, आप सभी के लिए मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया जहां पर कमाल के ब्लॉग डालता रहता हूं। यदि आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाओ देखो और बताओ कि आपको कैसा लगता है। तो गाइस, वापस आते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो के ऊपर, अब बात करते हैं यहां पर डिजाइन के मामले में फोन कैसा होने वाला है। तो गाइस, यहां पर ओप्पो रेनो 3 प्रो बहुत ही कमाल का ग्लास बैक डिजाइन के साथ आने वाला है, जैसे कि चाइनीज वर्जन में आया था। और गाइस, यहां पर ओप्पो रेनो 3 प्रो 2 मार्च को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, लॉन्च डेट रखा गया है। और गाइस, यहां पर बात करते हैं जो गूगल कंसोल पर लिस्ट किया गया इसके सारी चीजें, जैसे कि मीडियाटेक का हीलियो P95 प्रोसेसर होगा, और कहा साथ है दोस्तों, यहां पर 44 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा यहां पर मिलने वाला है, जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें 44 मेगापिक्सल कैमरा यूज किया जाएगा, प्लस में ड्यूल पंच होल कैमरा यूज किया जाएगा, जो सिंगल पंच होल कैमरा था चाइनीज वर्जन में। और गाइस, यहां पर बात करते हैं बैक में यानी क्वाड कैमरा इसका कैसा मिलने वाला है। तो गाइस, यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है, वहीं आपको 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिलने वाला है। और गाइस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलने वाला है, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब बात करते हैं गाइस, यहां पर आपको और क्या इस फोन के अंदर मिलने वाला है। तो गाइस, यहां पर आपको डिस्प्ले मामले में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, प्लस गाइस यहां पर आपको हो सकता है कि ओएलईडी डिस्प्ले मिलने वाला हो, और प्लस गाइस यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में मिलने वाला है, जो बहुत ही कमाल का और स्मूथ चलने वाला है आपका फोन। और गाइस, यहां पर और बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा बैटरी, कितना एमएच का बैटरी होने वाला है। तो गाइस, यहां पर बात करें बैटरी के, तो यहां पर आपको 4020 एमएच का बैटरी मिलने वाला है, जो बहुत ही कमाल का इस फोन को बनाता है। यहां पर बात करते हैं यहां पर कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस, यहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 मिलने वाला है, कलर ओएस 7.0 मिलने वाला है, प्लस गाइस यहां पर वूक का 4.0 चार्जर मिला, जो बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग करने वाला है। और साथ ही यहां पर आपको 8GB का रैम मिलने वाला है, उसी साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। तो गाइस, इसी के साथ बहुत सारी चीजें आने वाली, जैसे कि NFC का सपोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, 5G सपोर्ट, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है, टाइप सी पोर्ट एंड बहुत सारी चीज। तो गाइस, यहां पर आप सबको लगा कि कैसा स्मार्टफोन होने वाला है और 2 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, तब तक हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इस फोन के अंदर आने वाला है। तो आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। तो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।